हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, दिल्ली में जिस तरह से पानी की कमी को देखा जा रहा है, वही आम आदमी पार्टी जो हरियाणा पे भी आरोप लगा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पानी जिंदगी के चलाने के लिए भी ज़रूरत है, पानी खाने के लिए भी ज़रूरत है। पानी पर राजनीति ठीक नहीं होती। खट्टर साहब ने हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को दे दिया। अब पानी की दिक्कत दिल्ली के अंदर भी हो गई और हरियाणा के अंदर भी हो गई। इसका कोई समाधान निकालें और सबको पानी दें। सर, वही अगर देखा जाए जिस तरह से दिल्ली वालों को पानी की समस्याओं से परेशानी हो रही है, वहीं अब बिजली की कटौती भी देखी जा रही है, तो अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर कट्टर के पास भी जो है बिजली विभाग भी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मनोहर लाल जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। उनको ऊर्जा मंत्रालय मिला, उनको शहरी विकास मंत्रालय मिला। बतौर मुख्यमंत्री कई साल से वो निवेदन भेज रहे थे हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को कि हरियाणा के बेघरों को मकान मिले, और वो फाइल रिजेक्ट होकर वापस आ जाते थे, क्योंकि वो खुद शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, सबसे पहले जो लाखों बेघर हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं, आप उनको मकान दें। फिर कई कई घंटे का कट बिजली का हरियाणा में लगता है। मैं निवेदन करूँगा कि हरियाणा के अंदर भी बिजली का प्रावधान करें। हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते उन्होंने देखा कि लाखों किसान सवा साल तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे। 750 किसानों ने शहादत दी। MSP का गारंटी का कानून बनाने का वायदा प्रधानमंत्री ने किया। अब वो कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को याद दिलाएं और MSP की गारंटी का कानून बनवाए। सर, वहीं अगर बात करें तो अब NDA की सरकार बनी है, क्या कुछ लगता है कि आगे कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ सुधार होने की उम्मीद है? ये बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।